घर अभी अच्छे से अच्छा घर अभी जॉब भी कर लेता है। तुम लोग जितना पढ़ सकते हो जबरदस्ती हो भी रहा है तो पढ़ाई कर लो, बट जो तुम्हारे ड्रीम्स है ना यार, एक दो तीन जॉब के लिए ना तुम लोग तुम्हारे ड्रीम्स को सेक्रीफाइस बिल्कुल मत करो, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। और काफ़ी लोग ये चीज़ के लिए लैग करते हैं। गुड मॉर्निंग, आप सब देखो स्वागत है फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। आई होप आप सब लोग काफ़ी देर रात चो, तो मॉर्निंग के बज रहे 5 और मैं उठ चुका था 4:30 बजे तक, तो फ्रेश वगैरह हो चुका हूँ, चलते वाले घर पर काम करते। और आज काफ़ी ज़्यादा काम है हम लोगों को, और आज सैटरडे भी है गस। और एक बात बताना था, और काफ़ी टाइम बताना मैंने मेरा बिजनेस वाला टी शर्ट पहना है लकीली, क्योंकि इतने दिन से मुझे याद ही नहीं आया भाई काम के लड़के लोगों ने टी शर्ट वगैरह भी क्यों ही पहनो। जब भी सब लोग मिलकर टी शर्ट पहनते ना एक अलग दिखता है, समझा। गाड़ी हमारी जस्ट यहाँ पे, और गाड़ी को ना एग्जॉस्ट तो लगाना है भाई, एक चीज़ की गारंटी है, पक्की गारंटी, पक्की वाली। रोड खाली है गाइस, सुबह सुबह निकल पड़ा हूँ काम करना है और अपने मम्मी डैडी को हेल्प करना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफ में। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग ना मेरे से एक प्रॉमिस करना, एक प्रॉमिस कि आपको जो मन करना है करो, एक 15वीं तक, जब तक आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर कम्प्लीट करोगे ना 12th के बाद, पढ़ाई में जितना मन लगता है उतना कर लो यार, फिर बाद में ना अगर तुम लोग पढ़ाई एक 15वीं तक थर्ड ईयर तक पढ़ाई करके फिर बाद में तुम लोग ये कंपनी में जॉब्स वगैरह के लिए कर रहे हो, तो भाई गधा भी मतलब जॉब भी कर लेता है, अच्छे से अच्छा गधा भी जॉब भी कर लेता है। तो मेरा ऐसा है कि तुम लोग जितना पढ़ सकते हो जबरदस्ती हो भी रहा है तो पढ़ाई कर लो, बट जो तुम्हारे ड्रीम्स है ना यार, एक दो तीन जॉब के लिए ना तुम लोग तुम्हारे ड्रीम्स को सेक्रीफाइस बिल्कुल मत करो, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। और काफ़ी लोग ये चीज़ के लिए लैग करते हैं, सो ये बात मैंने सीखी है, तो वो बताना तुम्हारा तुमको इम्पोर्टेंट था, तो मेरा कर्तव्य था कि तुम लोग को ये चीज़ मैं बताओ, जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो बतानी चाहिए। अगर मेरा वीडियो ना अगर रोज 15 लोग भी देखते ना भाई, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ये बात 15 लोग तक पूछनी चाहिए। सो चलते, आई होप तुम लोगों को समझा होगा। मेरे बयान निकल लिए गैस, और अभी चलते हैं फटाफट घर पे वाले, जो बात मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोगों को बताना चाहिए, सो मैं आता हूँ भाई बताने के लिए, क्योंकि मुझे जो सच लगती है ना भाई चीज़ें, मेरा हक है कि मेरे व्यूअर्स को मैं बताऊँ। ऐसा रहता है कि लाइफ में ना कभी कभी आके खुल जानी चाहिए एक टाइम के बाद, फिर बाद में ना वो चीज़ का रिग्रेट होना नहीं चाहिए हमको, कि टाइम जाने के बाद ना जॉब भी पैसे वैसे कमाने के चक्कर में मैंने मेरा ड्रीम जो परस्यू करना था मुझे, मैंने वो छोड़ दिया, ये सब नहीं होना चाहिए। तो अभी भी टाइम है, जो पसंद आता है भाई वो दिल खोल के करो, और इतना खुद जाओ ना वो चीज़ में, तुम्हारे से अच्छा कोई हो नहीं सकता। क्यों आज लेट उठा बेटा आज लेट उठा है, देखो हाथ काट के लिया सुबह, हाथ काट के लिया सुबह, बता ये देखो बराबर से खोलने का बेटा, नींद में क्या, अभी तेरा रूममेट पाटिल ने, इसका मतलब ये ना तो टाइम पे नहीं उठेगा, देखो मार मार के उठाएगा मैं सुबह, समझा क्या। ए टॉम, ए चाय पीने के पिलाओ, चाय पीने के पिलाओगे तो हम सब पीने के लिए तैयार है, सिर्फ चाय दवा मत खून दा, हाँ ये तो बता बता, सिर्फ खड्डा आयला है उसको और दवा के ना तो बड़ा कर, सही है भाई, इडली के आटे को हाथ मारेगा ये, कल जो मैंने आटे को हाथ मार के रख लिया ये अभी तक आई सचे, अरे वो ऐसा करके नहीं ना, और उसको ऐसा करके दबा के कैमरा कैमरा ऑन है, इसका मतलब ये नहीं ओवर एक्टिंग करेगा तू, तेरा खून कम होने के बाद बता और एक बार कैमरा पे, देख तेल नीचे गिरा था, ये तेल नीचे गिरा है देखो थोड़ा, इडली काटा हाथ जो मैंने कल मारा है ना, ये अभी तक ऐसा ही है, तो इसको मिक्स करना पड़ेगा और एक बार, क्या है ना आटा फूक जाता है, जब भी आटा तुम लोग एक दिन पहले जब मार के रखते हो ना, कल के जब भी प्रिपरेशन करते हो तो आटा फूक जाता है, तो आटे को ना वापस से थोड़ा तुम लोग को बेकिंग पाउडर सोडा ये सब ऐड करना पड़ता है, और वापस से ना उसको हाथ वगैरह मारना पड़ता है, मिक्स करना पड़ता है। सो इधर ना अभी ये सब आटा जितना भी वड़ेगा, अभी ये वड़ेगा आटे को सब मिक्स करेंगे मेरे डैडी, सो मेरा काम देंगे, इधर ही चाहिए तुम्हारा पी लूँगा मैं, मेरे को वैसा मत दो, मैं मेरे को जैसा मिक्स करके दो वैसा प्लीज, कुछ नहीं पार लीजिए, हाँ ठीक है। तो फिर मैं इडली का स्टार्ट करता हूँ, इडली डालने का, इडली का आटा रेडी है क्या, हाँ पा सब रेडी है, सब रेडी है, चलो काम चालू करते हैं, वैसे वैसे पे इडली डालने का, कस्टमर संडे की नहीं पूछ, कस्टमर संडे के दिन नहीं पूछते, डोसा क्यों बोलता है, पूछते ना क्या बोलते हैं, बोलते भाई लड़के लोग नहीं है काम करने को, आते लड़के लोग वो भाग के जाते, अभी क्या बोले कस्टमर को, संडे के दिन हैंडल नहीं होता मम्मी, समझो मेरी बात, कुछ नहीं होता, तुम घर पे रहते, घर पे वाली में
हिम्मत होने मांगती और कस्टमर वाले लोग में ना रुकने की हिम्मत होने मांगती, रुकते ही नहीं। अरे सब रुकते हाँ ठीक है, फिर आ जाओ। चलो आज से मेरी मम्मी आ रही है बिजनेस में हमारे और गल्ले पे रुकेगी, मम्मी कस्टमर हैंडल करेगी। जय श्री राम। ठीक है यार, कांदा इतने छोटे छोटे कांदे कौन काटेगा क्या? इतना बारीक कांदा लाके रख रहे सुबह सुबह वो काम करने का क्या? झगड़ा मत करो, फिर लोगों को लगता भाई जबरदस्ती कंटेंट निकल रहा, ऐसा भी होता आजकल। हाँ ठीक है, इडली दाल के हो चुका है और 10-15 मिनट में इडली आएगी। इडली आने से पहले ना गाड़ी पे सेटिंग कर लेता हूँ, ये सब कैरी बैग ना अटका देता हूँ गाड़ी पे। 300 इडली का टारगेट दिया था और अभी ना 100 इडली आ रही है और 2 बार इडली डाल रहा, तो फर्स्ट टाइम इडली आ गई है, इसको निकाल लेता हूँ। फाइनली 100 इडली आ चुकी है गाइस और 200 इडली आने की बाकी है। 200 इडली 10 मिनट में आ जाएगी और अभी ना 6:20 हो चुके हैं। ये वेदर देख के बोल रहा हूँ मैं तुम लोग को, और सेकंड और 300 इडली डालने और थर्ड टाइम डालूंगा। और डैडी ने जो टारगेट बोला था वो कम्प्लीट हो जाएगा। और तू जा अंदर जाके सब्जी बनाने के लिए शेरू जा, मैं इडली डालते डालते पानी का देखता जा। कितना बचे लाफ? कितना? हाँ ठीक है, और इसके इसके पीछे मत लग, तू अंदर का जाम जाके काम करके ले जा, जा तू करके ले, मैं देखता। सो अंदर का काम कर, मैं ऐसा इडली का देखते देखते मैं पानी का भी देख के ले लेता। सो करते काम, और थोड़ा बहुत काम बचा है। कल तो चटनी के लिए लेट हो गया था ना, आज चटनी सब तैयार है। तुम्हारा सांभर देखो, इधर इडली देखो, पागल का वो पागल लड़के को देखो जरा, इडली हो गई क्या? सो फाइनली 100, 200 और ये 300 इडली डालना था गाइस मुझे, और 300 इडली ना मैंने डाल लिया है और मैंने मेरा काम कम्प्लीट कर लिया है। और आज लेट हो गया है ना, किसके वजह से लेट हो गया मैं आज आप लोगों को बता दूँ। आज मम्मी ने मम्मी का काम कर लिया है आज। आज 7 मिनट, कल 7:15 थे, डैडी ने काम कर लिया था पूरा सांभर विम्बर का। डैडी आज लेट डैडी की वजह से हो गया। सात हाँ तो मैंने मेरा काम कर लिया यार, तुम लोग भी तुम्हारा करा करो जरा जल्दी जल्दी। मम्मी हाँ ठीक है चलेगा, जल्दी जल्दी चलो, चले जल्दी जल्दी। आप रख देता भाई धोने को, क्या करूँ उठा उसको? हाँ एक सेकंड रखता। ये किधर है ढक्कन? किधर है उसके ढक्कन? दो हाथ मार के हो गया। और कल ना इडली का आटा देखो, इधर एक है और इधर टीप में एक है और इधर एक है। सो कम्पेयर टू बाकी अदर डेज, इडली का आटा कल संडे का सबसे ज़्यादा है। और कल टारगेट रहेगा हमारा कल सुबह 4 बजे उठ के, 4:30 बजे इडली डालने का चालू कर देंगे हम लोग। और कल का टारगेट रहेगा कुछ 5,000 इडली, मतलब 500 इडली भाई 500। सो चलता हूँ, काम हो गया अभी फिलहाल। अभी फटाफट ना मेरे को ठेला ढकलते लेके आना और ठेला धोना है। इडली काटे को हाथ मार के हो चुका मेरा। सो क्या आटा वगैरह क्या सब इधर रखो, मम्मी का खाना वगैरह इधर बन रहा है, दाल वगैरह। और मम्मी को आज लेट होगा क्योंकि कल संडे का माल पीसने का था और मम्मी ने वड़ा भी छोड़ा था बीच में, और अभी सब्जी बना रहे ना मम्मी। तो चलता हूँ ठेला वगैरह ढकल के लेकर दो। इडली का आटे को हाथ मार के हो चुका मेरा, फिर उसके बाद मेरा काम हो जाएगा। सो इसको ना फटाफट इधर एडजस्ट कर देता हूँ। लेट्स गो। काम हो चुका है और मेरी बहन ने ना भाजीपाला का पोता लाके डाला, और आज इसका हाफ डे था स्कूल में सैटरडे का। और मेरी मम्मी का अभी तक खाना बनाने का चल रहा है। 4:30 बज रहे मम्मी, 4:30 कितना बज रहा है शाम के? 3:45 चार बज नहीं आ गए ऑलमोस्ट। मम्मी अभी चपाती बना रही है, कल संडे का तैयारी सब कुछ हो चुका है और सब कुछ और सामान वगैरह पे शेगड़ी वगैरह लगा के लेना गई। और सब लोग ने अपना अपना काम कर लिया, मैंने ठेला धो के लिया, डैडी ने ब्लाइंडर वगैरह सब दोनों धो के लिया, मम्मी ने भाजीपाला कटिंग किया और शेरू ने हमारा बर्तन वगैरह धो लिया भाई सब। और कुछ नहीं, सब काम तो हो चुका है सबका। अभी ना 3:45 अभी घर पे लेके नहाने का टाइम है और खाना खाना भाई जो नींद लगती है, और ब्लॉग एडिट करने का रहता उसमें भी तो थोड़ा जान पे आता है। सो कोई ना, इतना तो कर सकता हूँ बस आप लोगों के लिए। और एक बात कि हैदराबाद से हमारे बाबा दादा जो भी है आए हैं, उनको मैं अभी ना तो घर पे जाने का नहीं मिला हुआ, जब हमारे घर पे आएगी तभी मम्मी है ना बाबा। मम्मी चला जाए केले बाबा ले घर से। सो स्टे टू बाबा। मां बाबा बाबा चल 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 बाबा, तो कैमरा मध्ये भी फिट होना गेला बाबा। दिस इज बाबा। हैदराबाद से मेरे बाबा आए गाइस, और ये
इसका हालत देखो, ये कितने खुश हो चुके हैं। और बाबा ना 5 साल बाद आए मेरे हैदराबाद से। अच्छी बात है, फर्स्ट टाइम मिल रही है। और इसका खुशी देखो भाई, खुशी का ठिकाना नहीं लूसी की। और बाबा की हाइट तो 7 पॉइंट कितना लेगा, एक आराम से 6.3 6.4। ए जा, ए जा बाबा ला बैठ, जा बाबा ला बैठ, जा बाबा ला बैठ, लो कर बैठ बाबा ला। हाँ बैठ, हाँ हाँ आराम ना, बस बसुन जा, बसुन जा। सो गाइस, काम वगैरह सब कुछ हो चुका है भाई, और तुम्हारा भाई इतना थक चुका ना हद से बाहर। मैं ही नहीं, मेरे साथ मैं, मेरी मम्मी, मेरे डैडी और शेरू भी पसंद है। 4 लोग काम कर रहे हो अभी। बोलना क्या बोल लेगा, बोल भैया, भैया बोल, भैया बोल। और मैं जा रहा हूँ नहाने के साथ ही, नहा रहा हूँ, ब्लॉग एडिट करने बैठ रहा हूँ, मंदिर जा रहा हूँ। अपने लाइफ ना भी अपना स्केड्यूल ना आजकल सेम चल रहा है, कुछ ऊपर नीचे नहीं भाई, कुछ भी नहीं, बट अपना स्केड्यूल बहुत बिजी चल रहा है। तो इसी तरह आज का ब्लॉग हम लोग करते हैं एंड। गाइस आई होप तुम लोग भी मेरा ब्लॉग देख रहे हो, अगर देख रहे हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब। तेरी आंखों का काजल ना फैले अब कभी भी, तुझे इतना प्यार दूं, तेरी खुशियों की खातिर ये दुनिया मैं मेरी एक पल में वार दूं।